जी हमने पढ़ लिया था, ये हमारी चीजें रह गई थी, कंडीशंस रह गई थी, एंगेजमेंट लेटर रह गया था यस सर, लास्ट में रह गया था क्योंकि हमने वह कॉलर ज्यादा किया। जी सर, वो हमने बैग पे 2-3 घंटे लगाए थे। जी कंडीशंस क्या होती हैं? उससे पहले पहले पूरा करना, ऐसी कंडीशंस जो ऑडिट से पहले क्या करनी हो आपने पूरी करनी है, तब आपका ऑडिट क्या हो सकता है, स्टार्ट या एक्सेप्ट? ठीक है जी, आसान आसान सी बात है। ऑडिट कब स्टार्ट होगा? जब सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो, प्रिपेयर हो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है जी, क्या मतलब है इसका? मुझे जो जी बताएं, जो ऑडिट करने वाली रिक्वायरमेंट्स हम लोगों को दी थी वो पूरी होनी चाहिए, मतलब नहीं इसका जो हम मतलब लोग ये कि प्री कंडीशंस ये होती है कि जब आप फॉर एग्जांपल क्लाइंट का ऑडिट करने जाते हो ना, ये आप हो ऑडिटर है, ये क्लाइंट है, ठीक है, आप दोनों ना पहले कुछ चीजों को एग्री करते हो ताकि आप बातचीत आगे बढ़ा सको, राइट? इसकी मिसाल पता है कैसे? इसकी मिसाल ऐसे है, ये एक लड़की है, थोड़ी और मिसाल है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। ये लोग रिश्ता, रिश्ते का वो आपने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा कि जी हमें लड़के का रिश्ता चाहिए, प्रोवाइडेड के वो सरकारी मुलाजिम हो, राइट, और अपना घर हो, राइट, और फॉर एग्जाम्पल भाई को या गाड़ी हो। ये सारी कंडीशंस पूरी होती है ना, तब कोई कोई जो है ना लड़का रब्ता करे इस नंबर पे, ये नंबर दिया हुआ है, राइट। तो ये जो ये राइट कंडीशन है ना, ये प्री कंडीशंस है, ये होंगी ना तो बातचीत चलेगी। जब प्री कंडीशंस ही नहीं है तो फिर आगे एंगेजमेंट को तो बाद में डिस्कस करना है ना आपने जाके। बिल्कुल तो ये सीन होते हैं। प्री कंडीशंस क्या होती हैं? प्री कंडीशन ये होती है कि पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई हुई है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक हो, मतलब पाकिस्तान में क्या चलता है, IFRS चलता है और कंपनी लॉ चलता है, कंपनी एक्ट चलता है। तो ये ना हो कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो आपने यूएस गैप के मुताबिक बनाई हो, राइट। ऑडिट आपने पाकिस्तान में कराना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने किसके मुताबिक बनाई हो, यूएस गैप्स के मुताबिक। तो ये काम हुआ ना ये वाला, तो तब आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जाहिर बात है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं बने तो ऑडिट किसका करना है, तो समझ आ सर, गई? मतलब ये वाली प्री कंडीशन सारी की सारी, मतलब कंपनी के जिसको हमने ऑडिट करना है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, हमारे लिए नहीं एग्जैक्टली होंगी वो, ना ज्यादा। हाँ जी, ये मैनेजमेंट जो है ना वो उसकी जिम्मेदारी होती है प्री कंडीशंस। दूसरी कंडीशन क्या है कि मैनेजमेंट ये एक्नॉलेज करे, इसके लिए लफ्ज होता है तस्लीम करे, क्या करे, ठेका तस्लीम उठाए, तस्लीम करे कि हम जो है ना आपको सारा रिकॉर्ड देंगे, राइट, राइट सारे बंदे देंगे, ठीक है जी, कि जो जो चीजें आपको ऑडिट के लिए दरमियान जरूरत पड़ेंगी ना, जो जो इंफॉर्मेशन, जो जो आपको चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो सारी क्या होगी, हम देंगे। और तीसरी चीज, हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स के जिम्मेदार हैं, ठीक है जी। ये जिम्मेदारी ये तीनों चीजों की कौन ले ले जी? मैनेजमेंट ले ले। अगर ये दोनों काम हो गए तो फिर आप क्या करोगे, आप इस नंबर पर रब्ता करोगे, ठीक तो है जी। अच्छा, राइट, ये चार प्री बेसिक कंडीशन, ये तीन, ये ओ सॉरी, बेसिकली तो दो है ना आगे, उसकी एक की सब डिवीजन हुई है, आइए। एक 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 ये और एक ये, मैनेजमेंट एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट में तीन चीजें हैं, रिकॉर्ड की एक्नॉलेजमेंट, इंफॉर्मेशन या पर्सोनेल की एक्नॉलेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स की एक्नॉलेजमेंट। ठीक हो गया बॉस, कोई मसला राइट परेशानी? नो अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इसको हम देख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं।
अच्छा, अगर प्री कंडीशन नहीं है तो आप उनको कहोगे कि प्री कंडीशन पे अमल करो, नहीं तो फिर आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसको पढ़ लेते हैं जी। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर आई से 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू इन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन व्हिच इट इज टू बी परफॉर्मड हैज बीन एग्रीड। दिस इज डन बाय एस्टैब्लिशिंग वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिटर प्रेजेंट एंड कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। To establish if the preconditions for an auditor present, ISA 210 requires the auditor to establish the financial reporting framework to be used in the preparation of financial statements is acceptable, or obtain the agreement of management that it acknowledges and understands its responsibility, right? Yes, for the preparation of financial. This is done by. इसका क्या मतलब है? ये तो जनरल सी बात नहीं, लेकिन इसमें पॉइंट बनाने की क्या जरूरत है? समझ नहीं आई किस चीज की? ये इसे ऊपर वाले में जो only when the basis upon which to be performed has been agreed, this is done by establishing whether precondition of audit are present, confirming there is a common understanding between the auditor and जी 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 मतलब ये तो बहुत obvious सी बात नहीं है कि precondition auditor की पूरी हो और उन दोनों में understanding हो। अच्छा, ऑडिट किसके मुताबिक किया जाता है? आइजाज के, आइजाज के, आइजाज में ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं। अब आप कह रहे हो कि ये यहाँ क्यों लिखी हुई है, राइट? ये क्वेश्चन है आपका? एग्जैक्टली सर, कॉमन चीजें। देखो, अगर ये यहाँ पे ना लिखी होती प्री कंडीशन और ये चीजें ना लिखी होती तो आप लाइबल थे। प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन ये कि मैनेजमेंट कहे कि तुम जो है वो जो मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, इंटरनल कंट्रोल्स के लिए और ये इसके लिए। अगर ये यहाँ पे ना लिखा होता तो क्या मैनेजमेंट ये चीज मानने के लिए लायबल थी? राइट सर, नहीं बिल्कुल नहीं, लायबल नहीं थे ना। जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग तो यही है ना, और स्टैंडर्ड्स तो बने भी कॉमन सेंस के ऊपर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी था कि ताकि लॉ में लिखा हो कोई बंदा माने। अब फॉर एग्जांपल, इसकी बड़ी आसान मिसाल है, मतलब कोई बंदा चोरी पकड़े तो ये जुर्म है, उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई बंदा चोरी करे सॉरी पकड़े करे, वो ये जुर्म है, उसको सजा मिलनी चाहिए। कॉमन सेंस मानती है ना, तो ये लॉ में क्यों लिखा हुआ है कि उसको सजा मिलनी चाहिए? वहां लिखी होगी तभी सजा मिलेगी, अगर वहां ना लिखा होता तो कोई भी कहता कि कानून में किधर लिखा हुआ है। तो दैट्स गोइंग सेम फॉर इट। ऑलराइट सर, आप समझे। अच्छा, रिस्पांस ऑफ प्री कंडीशंस, अगर प्री कंडीशंस मेट ना हो रही हो तो फिर क्या होगा जी? अच्छा, इफ प्री कंडीशंस आर ऑर्डर नॉट प्रेजेंट, द ऑर्डर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट। उसको मैनेजमेंट से बात करेगा, उनको समझाएगा। द ऑर्डर शुड एक्सप्लेन द व्हाट द प्री कंडीशंस आर, और उसके बाद द ऑडिटर शुड आल्सो एक्सप्लेन दैट वन ऑफ द मैनेजमेंट पर्पस ऑफ द प्री कंडीशन इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट इज जनरल इज टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिस्पेक्टिव रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। ठीक है जी। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो, द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट वेयर अ लिमिटेशन ऑन स्कोप इज इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट सच दैट द ऑडिटर वुड बी अनएबल टू express an opinion on the financial statements or the financial reporting framework to be used in the preparation of the financial statements is unacceptable or management to not agree to the above responsibilities stated in the preconditions. Kani samajh aa gayi? The only exception allowed by ISA 210 for accepting. Me samajh aayi nahi yaar ye. Thodi thodi sir, meri actually tez mein sahi samajh nahi aati. Acha. ये वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताया। सर आप समराइज कर देना, मैं इसको रीड करूंगा तो फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं तो बस इसलिए रीड कर रहा हूं कि ताकि आपको कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए कि पेपर में ही बुक में ही लिखा हो जो मैंने बताया है। सही है। अच्छा, ये तो सम प्री कंडीशन आपको समझ आ गई है। अब ये प्री कंडीशन जो है ना, इसके एक्सेप्शन है कि अगर प्री कंडीशन ना हो तब भी आपने ऑडिट करना है, वो कौन सी एक्सेप्शन है? जब लॉ कहता हूँ, ठीक है जी, जब लॉ आपको कहता हो ना तब आपने ऑडिट करना होता है। बेशक प्री कंडीशंस एग्जिस्ट,
ना भी कर ना भी कह रही है राइट राइट सर। अच्छा जी, उसके बाद स्कोप लिमिटेशन की कुछ एग्जांपल्स दी, आप पढ़ लीजिएगा, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक चीज आ रही है, एंगेजमेंट लेटर। व्हाट इज एंगेजमेंट लेटर? एंगेजमेंट लेटर पता है क्या होता है? नो सर। एंगेजमेंट लेटर क्या होता है बता दें पीछे वाले। मैं बता देता हूँ, उसमें वही बात लिखे जो ऊपर बताई है मैंने आपको। ऑडिटर को ऑडिट कब नहीं एक्सेप्ट करना? जब प्री कंडीशन ना लिखा हो। जब प्री कंडीशन ना हो, राइट? ना। जब इंफॉर्मेशन ना हो, यानी स्कोप जो है ना वो लिमिटेड हो गया हो, स्कोप लिमिटेशन हो। स्कोप लिमिटेशन हमने ऊपर डिस्कस किया क्या होता है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि आपको क्या दे, रिकॉर्ड दे, बंदे दे, राइट? यस सर। मैनेजमेंट इनकार कर दे कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं देती, बंदे भी नहीं देती, तो क्या आप ऑडिट कर सकते हो ना? रिकॉर्ड नहीं है तो ऑडिट कैसे करोगे? तो ये प्री कंडीशन का हिस्सा ही है, ठीक है जी। और ये हमने ये भी पढ़ लिया। पर तीसरा और क्या होता है, जब आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हो। और तीसरा ये है ना कि अगर मैनेजमेंट प्री कंडीशंस के ऊपर ही एग्री ना हो, ये काम नहीं करेंगे, उसके अलावा करना। वही बता रहा हूँ ना, एक तो पहली बात है प्री कंडीशन ही ना माने, दूसरा क्या है इंफॉर्मेशन ही ना दे। इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ प्री कंडीशन, ये वैसे इन्होंने नीचे करके फिर डुप्लीकेट किया हुआ। और तीसरा क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हो। ये हमने ऊपर तीनों चीजें पढ़ ली, ये एक दो और तीन, जब ऑडिटर जो है वो ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते है ना, तो वो उनसे लिख कर एक एग्रीमेंट करता है कि हम ये काम करेंगे, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, एक एंगेजमेंट लेटर, कि हम ये काम करेंगे। एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखा होगा? सबसे पहले लिखा होगा ये हमारी फर्म का नाम है, ऊपर आपकी फर्म की हेडिंग होगी, राइट? नीचे लिखा होगा हम आपका ऑडिट, हम आपके ऑडिटर बनते हैं या आपका ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? फिर लिखा होगा कि आपका ऑडिट इस दिन तक होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम आपको 10 अक्टूबर को इसमें रिपोर्टिंग टाइम लिखा होता है, रिपोर्टिंग एक्सपेक्टेड रिपोर्टिंग डेट जिसको बोलते हैं वो लिखी होती है। फिर नेचर ऑफ नेचर या स्कोप के बारे में थोड़ा बहुत लिखा होता है कि इस तरह से ऑडिट होगा, ये होगा सारे मामला। फिर उसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी होती है फीस, राइट? फीस लिखी होती है, स्कोप नेचर या स्कोप लिखा होता है, रिसोर्सेज के बारे में लिखा होता है, ये बंदा आएगा। फिर एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है वो लिखा होता है, कि ये बंदा जो है रिस्पॉन्सिबल है इस एंगेजमेंट के लिए। तो इस तरह की चीजें लिखी होती हैं, ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर उसके अलावा और क्या लिखा हो सकता है, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री रेगुलेशंस, ये वो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह कुछ लिखी होती है, बहुत जेनेरिक सा होता है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडरलाइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, उसके अलावा ये सारी बातें आ सकती है। ये सारी पढ़ लीजिएगा, कोई चीज नहीं समझ आता बता मुझसे पूछ लीजिएगा, बहुत जरूरी बात है जी, कॉमन सेंस वाली चीजें। अच्छा, रिकरिंग ऑडिट्स कौन से होते हैं? कौन से रिकरिंग ऑडिट्स? रिकरिंग का क्या मतलब होगा इसका? मतलब 2018 में भी आप ऑडिट हो, 19 में भी कौन ऑडिट करने आ गया? आप ऑडिट कर वही बंदा, वही बंदा। तो क्या क्या एंगेजमेंट लेटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना तो नहीं चाहिए सर, स्टैंडर्ड कहता है नहीं देना चाहिए, लेकिन देना चाहिए कुछ कंडीशंस की बुनियाद पे। कुछ कंडीशंस लगाई हुई है, क्या कंडीशंस हो सकती है आपके ख्याल से? सर अगर हमने रिम्यूनरेशन चेंज की है उनकी, हाँ, मटेरियल चेंज इन स्कोप, पहले ये देखो स्कोप में कुछ चेंज आ गया हो, राइट? और स्कोप की बात की थी ना हमने, नीचे कुछ स्कोप चेंज हो गया हो, उसके अलावा
कोई इंडस्ट्री रेगुलेशन चेंज हो गई हो, ऑडिट लॉस चेंज हो गए हो, लॉस, ऑडिट लॉस चेंज हो गए हो, और फिर आईएफआरएस एक चेंज, सर बड़े बड़े आईएफआरएस में चेंजेस क्या? इसी के अंदर कुछ चेंज आ गया हो, कोई पिछली बार और चीज थी, इस बार और चेंज, यानी लॉस और रेगुलेशन में कुछ चेंज आ गया हो, फिर अच्छा मैनेजमेंट चेंज हो गई हो, सीनियर मैनेजमेंट, पिछली बार सीईओ सीएफओ कोई और था जिससे आपने एग्रीमेंट किया था, इस बार कोई और आ गया, ओह ठीक है, मैनेजमेंट में चेंज आ गया हो, या यस पिछली बार कोई डिसएग्रीमेंट हो गया था आपका और उनका, ऑडिट के दौरान ना आपकी और उनकी कोई डिसएग्रीमेंट हो गया था, इस बार फिर आप उनको लिख के बताते हो जी पिछली बार ये रोला हुआ था, इस बार ये ना होने का, राइट? यानी पिछली बार वैसा फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे थे कि फ्रॉड पकड़ने के जिम्मेदार कौन है, आप हैं, इस बार ठीक आप उनको लिख के देंगे जी फ्रॉड पकड़ने के जिम्मेदार हम नहीं है, इस तरह अगर कोई फीस वगैरह भी चेंज करना या और कुछ चेंज आ गया तो वो भी इसके, ये सब ये वो तमाम वजूहत है ब्रॉडली जिनकी बुनियाद पर क्या होता है जी बेसिकली इसके भी रिकरिंग चेंज होते ऑडिट हैं, होता है। रिकरिंग ऑडिट्स के भी ना, रिकरिंग ऑडिट्स में भी आप एंगेजमेंट लेटर देते हैं, वरना जरूरत नहीं होती, वरना पिछले पे ही डेट नहीं डाल के ना, सही है, सारी मटेरियल चेंजेस है ना, जी बिल्कुल, मटेरियल चेंजेस हैं, इमटीरियल या मतलब जो लोअर लेवल चेंजेस है वो क्या हो सकती है? देखो उसमें तो इमटेरियल चेंज क्या होता है, पिछली बार ऑडिट करने 12 बंदे आए थे, इस बार 11 आ गए, पिछली बार ओह आपने हमें राइट, खाना, पिछली बार खाना आपने हमें 2 बजे दिया, इस बार 3 बजे दे देंगे, राइट? ये तो अरे छोटे छोटे चेंजेस है, इस तरह के चेंजेस तो नहीं ना अकाउंट फॉर करते, मैं समझ गया सर, अब समझ सही है जी, मटेरियल चेंजेस तो यही हो सकते हैं ना, लॉ में चेंज आया है, रेगुलेशन में, जिसका गया। सीनियर लेवल पर ताल्लुक है, क्योंकि ये एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट लेटर पार्टनर साइन करते हैं ना, पार्टनर ये चीजें छोटी छोटी तो चेंज नहीं कर रहा होगा ये, बल्कि ये देख भी लेनी, इधर नीचे लिखी भी नहीं है स्कोप, ये सारी वही बातें लिखी है जो हमने पढ़ ली है, सब चेंज इन द एंगेजमेंट लेटर। ठीक अच्छा उसके बाद क्या होगा जी, वो आप उनको दे देंगे लेटर, दे देंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और आपकी वो शुरू हो जाएगी एंगेजमेंट दोबारा से। क्या क्या लिखा हुआ जी, आइज द 210 रिक्वायर्ड ऑर्डर टू कंसीडर द जस्टिफिकेशन फॉर द रिक्वेस्ट एंड चेंज वेदर इट इज रीजनेबल। अच्छा ये क्या कॉन्सेप्ट है, इससे पहले मैं आपको ये पिछला पहले पढ़ ले, ये अच्छा ये भी पड़ा है सर, वो ही है सेम। टाइम टेबल और ये चीजें भी इसके अंदर ना लिखी होती हैं, ठीक है, राइट अच्छा उसके बाद ना आयजा 210 के अंदर एक और बड़े मजे की चीज लिखी हुई है, मैं आपको कहूंगा तो उसकी समरियां भी दे दूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। फॉर अच्छा एग्जाम्पल आप ऑडिट कर रहे थे, ठीक है, ऑडिट करके आप आए, ऑडिट करने आ गए, कुछ दिन बाद ना आपको मैनेजमेंट कहती है कि आप ऑडिट को छोड़ो, क्या कर दो, रिव्यू कर दो, क्या कर दो, रिव्यू रिव्यू कर दो, तो क्या आप ये काम कर सकते हो, ऑडिट छोड़ के रिव्यू कर सकते हो, करता सेनेट क्या कहता कर सकते है, सेनेट कहता है कि आप चेक करोगे, सेनेट क्या कहता है, आप क्या करोगे, जस्टिफिकेशन, क्या चेक करोगे, क्यों जस्टिफिकेशन करें, व्हाई, क्या क्या लॉजिक है कि हम ऑडिट को छोड़कर रिव्यू कर दें, हो सकता है आपने कोई फ्रॉड पकड़ लिया हो और वो कहें जी इसको दबाने के लिए, हो सकता है आप अपनी वो ओपिनियन मॉडिफाई करने लगे, तो वो कहें जी छोड़ो छोड़ो जी ऑडिट छोड़ो, हम किसी और से करा लेंगे, तुम रिव्यू करो और चलते बनो, राइट? या आपको उनसे डिसएग्रीमेंट हो राइट गया, इस तरह के आप इस तरह के ना जस्टिफिकेशन को आपने ना असेस करना है, क्या करना है, सर, असेस करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करनी है, जजमेंट एक्सरसाइज करनी है, अगर तो इनकी बात लॉजिकल है, क्या है जी लॉजिकल, कोई भी रीजन राइट वो पेश करते हैं और वो लॉजिकल है, तो फिर आप क्या कर ले, फिर आप एक्सेप्ट कर ले, ठीक है जी, और अगर इलॉजिकल है, आपको बात नहीं समझ आ रही, तो फिर ऑर्डर तो छोड़ने है, ये भी क्या कर दे, छोड़ दे, छोड़ राइट, डिक्लाइन, ऑर्डर भी छोड़ दे और रिव्यू भी छोड़ दे, घर चले जाए, समझ तो फिर अगली रहे हो, कंपनी को तो सर हमने दोबारा वो देना होगा क्या चीज,
वो हमने पढ़ा था ना कि अगली कंपनी जो अगला जो वो आएगा हाँ ऑडिटर हाँ हाँ वो हाँ हमसे पूछेगा, तो उसको हमने फिर ये उसको बताएंगे बोलते हैं दोबारा। ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन। आपको ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन देनी होती है ना, आप सबसे पहले, अब यहाँ से वही तरीका है, जब आप चीज छोड़ के जाओगे सबसे पहले जब आपको किसको शिकायत लगानी है, शेयर होल्डर्स को, आई कैप सॉरी को, आई कैप को। ठीक है। साथ ही आपने जाके शेयर होल्डर्स की मीटिंग में क्या लिख देने, जाके ये वाले वो ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन पेश कर कंसेंट देनी है, राइट। कंसेंट लेटर नहीं देना, ऑडिटर लेटर, रिप्रेजेंटेशन पेश करनी है, गॉट इट। तो ये बट सिंपल था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, दैट इज एक्चुअली मच सिंपल, सही है जी। क्लियर। अच्छा उसके बाद, अच्छा उसके बाद आपके पास चैप्टर 3 है, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, इसको इंशाल्लाह कल देखते हैं, ठीक यस है जी। राइट, चले MFA का हम ये करते हैं ना कि MFA को हम वीकेंड पे रख लेते हैं, वीकेंड पे ना उसका बड़ा सा 2-3 घंटे का, मैं या तो आ जाऊंगा और हम लोग ना ठीक उसका वहां पर 2-3 घंटे का सेशन रख लेंगे, राइट। क्योंकि हफ्ते में भी राइट अगर 3-3 घंटे हम 5 दिन पढ़े, आधा आधा घंटा 5 दिन पढ़े तो वो भी 2.5 घंटे बनते हैं, तो हम एक ही दिन 2-2.5 घंटे का लगातार पूरा कर ले तो मेरे ख्याल में ज्यादा इफेक्टिवली है, क्या कहते हो। या एक दिन अल्टरनेट अल्टरनेट डेज पे कर लेंगे, या ये भी हो सकता है कि मैंने एक नया सेशन शुरू करना